Good morning, good afternoon, good evening. Hi there friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Mass communication playlist aap dekh rahe hain. Topic hai censorship in Indian cinema. Thoda lamba topic hai, isliye maine isko do parts mein divide kara hai aap logo ke liye. Sabse pehle main aapko bata dun that India mein CBFC, that is Central Board of Film Certification, ek regulatory firm hai jo ki regularly directors ko orders deti hai. कुछ भी ऐसा ऑफेंसिव मूवीज़ में दिखाया जाता है जैसे सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो पब्लिक सेंटिमेंट्स को इंस्टिगेट करें, उन चीज़ों को कट करना, मतलब उनको थोड़ा सा सेंसर करना ताकि एक मास यू नो अपहीलिंग या मास फीलिंग्स जनरेट नहीं हो लोगों के दिमाग में किसी चीज़ के अगेंस्ट में. अब यहाँ कहा जाता है दैट सेंसरशिप इज नेवर फेल्ट इंडिविजुअली, इट इज ऑलवेज अ सब्जेक्ट वेयर द फोर्सेस ऑफ कम्युनिटी और अ ग्रुप कुड बी सीन. अगर एक कम्युनिटी या ग्रुप किसी चीज को ऑफेंसिव महसूस करता है तो वहां पे सेंसरशिप जरूरी हो जाती है. कोई एक पर्सन अगर किसी चीज को ऑफेंसिव महसूस कर रहा है तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है. बट सेंसरशिप एक्चुअली हैपेंस व्हेन थिंग्स कैन गो हेवायर. अब वॉचिंग अ मूवी इज एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, इट कैन बी वॉच इन अ ग्रुप सिटिंग इन अ थिएटर विद 200 टू 500 पीपल, बट ऑल 200 टू 500 पीपल डू हैव 200 और 500 एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉचिंग अ मूवी. देन द क्वेश्चन कम्स, हु फाइंड्स आउट द फिल्थी अफेयर? नो इंडिविजुअल बट इंडिविजुअल्स विद ग्रुप. इफ यू एनालाइज द हिस्ट्री ऑफ फिल्म सेंसरशिप इन इंडिया, वन कैन स्टेट दैट अ फिल्म इज बैंड और सेंसर्ड ऑन फॉलोइंग रीजंस. अब एक इंडिविजुअल की मेंटालिटी को हम सेंसरशिप का बेसिस नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ जब एक थिएटर में 200 से 500 लोग मूवीज़ देखने बैठते हैं, मल्टीप्लेक्सेस में तो आजकल बहुत सारी स्क्रीन्स आ गई हैं, जब वो लोग कोई सी मूवी देखने बैठते हैं तो वहाँ पर एक मास एक्सपीरियंस यू नो की फीलिंग आती है. लोग थोड़ा सा चीज़ों को फील करते हैं और जब बहुत सारे लोग फील करते हैं तो देर इज़ अ मास अपील. यूजुअली देखा जाए तो मूवीज जो इंडिया में आई है अभी तक रिलीज हुई है उसमें सेंसरशिप किन्हीं खास रीजंस पे, कुछ खास बेसिस पे ही होती है, जैसे कि 1 सेक्सुअलिटी, 2 पॉलिटिक्स, 3 रिलीजन, 4 कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, 5 इनकरेक्ट पोर्ट्रेयल ऑफ समवन और समथिंग, मतलब कि किसी पर्सन का या किसी चीज का असली रूप नहीं दिखा के कुछ और प्रोजेक्ट करते हुए रूप दिखाना, दैट इज इट. एंड एक्सट्रीम वायलेंस, मतलब वायलेंस क्रूर हिंसा अगर दिखाई, जिसे हम कहते हैं गोर, एक लैंग्वेज होती है, एक टर्म होता है, आप लोग काफी यू नो लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, गोर, वायलेंस, स्नफ, ये सब चीजें जो होती है, दीज कॉज सेंसरशिप. अब इससे पहले कि मैं आपको ये सब मूवीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूं, मैं बता दूं कि 2002 में इंडियन फिल्म मेकर थे, बेसिकली फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष जो थे विजय आनंद, इन्होंने कंट्रोवर्सी जगा दी थी सेंसरशिप को लेके. इन्होंने कहा था कि मूवीज़ में एक्स रेटेड मूवीज़ जो होती है जिसमें ये सारे इश्यूज़ हो सकते हैं उनको बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूजली अगर एक ह्यूमन बीइंग चाहता है तो वो कहीं और इंटरनेट वेबसाइट्स पे, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, मोबाइल ऐप्स वगैरह पे जाके भी कहीं ना कहीं सेंसर्ड मटेरियल व्यू तो कर लेता है. सो व्हाई वी नीड टू गो अहेड एंड अमेंड सर्टेन थिंग्स, हु आर वी, सो लेट अस गो अहेड एंड ओपन इट. अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने एक टर्म ऐसा डेरिगेटरी दे दिया था जिस कारण से इनकी कुर्सी चली गई. इन्होंने कहा था पोर्न इज शोन एवरीवेयर इन इंडिया क्लैंडेस्टिनली, and the best way to fight this onslaught of blue movies is to show them openly in theaters which legally authorized licenses, with legally authorized licenses. ab bhaiya ye cheez to bhartiya sanskriti ke bilkul against ho gayi, kyunki aise openly kaise bata de. ek indian jo sanskriti hai, hamari censorship jo indian cinema mein hai wo kafi had tak hamari society, hamare culture, hamare traditions ke upar bhi based hoti hai. hamare yahan pe censorship ko एक तरीके से सोशाइशल मैनर में लिया गया है फ्रेंड्स, नॉट जस्ट ऑन इंडिविजुअल कल्चर और कम्युनिटी.
एक समाज के बेसिस पे यहाँ सेंसरशिप को थोड़ा सा ज्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बेसिक हम देखते हैं सेंसरशिप, हालांकि इंडिया में एक फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन गवर्नमेंट के पास में एक आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका क्लॉज 2 बताता है कि गवर्नमेंट कभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अगर कुछ खास रीजंस को वो इम्पेयर करते हैं, जैसे 1 सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, 2 फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, 3 पब्लिक ऑर्डर, देन कम्स डिसेंसी एंड मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, किसी का नाम खराब करना, मान हानि करना किसी की, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कुछ गलती हुई है उसको थोड़ा बढ़ाना, कुछ गलत कार्य हुआ उसको बड़ा चढ़ा के बताना, एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश की अखंडता और एकता को अगर कोई सी चीज़ हर्ट करे तो यहाँ पे वो एक्ट आ जाता है। यहाँ बताना चाहूँगा एक आईटी रूल है 2011 का, ये कहता है दैट एनी कंटेंट विच थ्रेटन्स द यूनिटी इंटीग्रिटी डिफेंस सिक्योरिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर हैज टू बी ऑब्जेक्टेड। और सीबीएफसी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये कुछ मूवीज को अलाउ करता है, कुछ एडल्ट या सेक्सुअल कंटेंट हो उसके अंदर उससे अलाउ करता है, लेकिन विथ अ सर्टिफिकेशन ऑफ 18+। सो हियर आई एंड, इन माय नेक्स्ट पार्ट आई विल बी गोइंग अहेड एंड एलैबोरेटिंग द टॉपिक्स ऑन विच द सेंसरशिप इन इंडिया हैड एग्जिस्टेड। सो स्टे ट्यून्ड माय फ्रेंड्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर्स। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक पैंडेमिक फैला हुआ है, स्टे इनसाइड योर होम्स, कीप ऑन स्टडिंग। वी हियर एट पर्सनल ट्यूटर आर रेगुलरली डेडिकेटेड टू गो अहेड एंड प्रोवाइड यू ऑल क्वालिटी मटीरियल दैट यू रिक्वायर फॉर योर एजुकेशन माय फ्रेंड्स। कुछ भी डाउट्स हैं आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक टू यू एज वेल। सो प्लीज स्टे इन होम एंड स्टे सेफ माय फ्रेंड्स, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।